तो गुड इवनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस हम पढ़ रहे थे। हमने वॉल्यूम देख लिया था, वॉल्यूम ऑफ गैस, हमने टेम्परेचर देख लिया था, ठीक है। आज बेटा बात करेंगे प्रेशर ऑफ गैस की। तो हेडिंग डालिएगा प्रेशर ऑफ गैस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेशर ऑफ गैस। हाँ, इसमें जो गलतियां होती है ना वो यूनिट में होती है। अभी पहले जरा प्रेशर ऑफ गैस समझ लेंगे तो फिर आगे वो भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, वही सब डिस्कस करना हमें। तो लिखिएगा प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, क्लास नाइन्थ में आपने थोड़ा बहुत प्रेशर पढ़ा होता है तो सबको पता है कि प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहां पर जब आप गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द वेसल और कंटेनर। समझना इस चीज को। मान लो ये मैंने आपका कंटेनर माना और ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसको अभी हम बॉल की तरह ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। अब हम फोर्स पढ़ चुके हैं तो ये जाएगा इधर, यहां पे कोलाइड करेगा और वापस चला जाएगा। इसमें लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया। अगर लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया तो यहां पर एक फोर्स लगा। हमने आपसे कहा था बॉल को वॉल पे मारिए, वॉल पे एक फोर्स लगेगा, याद आया। बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में जैसे था वैसे यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ये आपके जो भी वॉल होगी कंटेनर की उस पर जब स्ट्राइक करेगा या कोई भी सरफेस आप एज्यूम करेंगे उस पर जब ये स्ट्राइक करेगा तो उस पर एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो आप चाहें तो बिल्कुल लिख लीजिए फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ, फोर्स ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, या वेसल जो भी आप लिखना चाहें, बिल्कुल वेसल भी लिख सकते हैं। तो ये तो प्रेशर तो सबको समझ में आया। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक वॉल है और इसके इस एंड पे हमारे पास ये बहुत सारी बॉल है, ठीक। तो इनका अगर मैं पाथ आपको दिखाऊं ऐसे जाएगी टकराएगी तो इस पे फोर्स लगेगा, ये सबको समझ में आता है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं भाई मेरे पास ना ये एक वॉल अपर साइड पे है, अब क्या होगा भाई, ये पार्टिकल ऊपर भी तो जाके टकराएगा, ऐसे टकराएगा नीचे आएगा, ठीक है। हां जी, तो हर डायरेक्शन में आप किसी भी डायरेक्शन में रख लीजिए, कोई भी सर्फेस ले लीजिए, ये सर्फेस ले लीजिए, अब आपकी ये जो बॉल है या मॉलिक्यूल है ये कोलाइड करके ऐसे जाएगा, जरूरी नहीं किसी एंगल पे करे, डायरेक्ट कोलिजन भी हो सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, ये भी कोलिजन हो सकता है आपका, कोई भी कोलिजन हो सकता है, यस। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हो सकता है, इन सब की वजह से क्या आएगा आपका, एक फोर्स लगेगा और फोर्स पर यूनिट एरिया करेंगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा, ठीक। अब एक टर्म बहुत बुक्स में आपको मिलेगा और वो लिखा होता है गैस मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, यहीं पर बेटा एक और टर्म लिख लीजिए, वैसे ही आपको नाइन से पता होगा कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, यानी प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हम ये डायरेक्शन की बात करते हैं, अच्छा होता क्या, प्रेशर के बारे में अक्सर लोग डायरेक्शन बताने लगते हैं, बोले सर उधर से इधर को प्रेशर आ रहा है या इधर से उधर को प्रेशर जा रहा है, वो भी समझ लीजिए। एक्चुअली प्रेशर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रेशर जब कोलाइड करता है, मतलब प्रेशर आया कहां से, फोर्स से आया ना, तो कोई मॉलिक्यूल या बॉल जो भी आप कहें जब कोलाइड करती है, ठीक है, हाँ, किसी सरफेस के साथ, तो उस सरफेस पे जो फोर्स लगता है प्रेशर की वजह से, जो फोर्स लगता है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होगी, तो प्रेशर की डायरेक्शन आप वही डायरेक्शन बताते हैं जो फोर्स की है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। बट बुक्स में अगर लिखा मिले तो समझ लीजिएगा डायरेक्शन का मतलब क्या है,
प्रेशर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, फाइन, यस। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, जो एरिया का डायरेक्शन, और एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे, याद रखना बेटा इसको, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ओके। अब यहीं पे लिख लीजिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है। लेकिन यहां पर बेटा बहुत सारी और यूनिट चलेंगी, यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप पास्कल भी कहते हैं, फाइन। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं सीजीएस यूनिट, याद है किसी को, आईसीएसई वालों ने पढ़ी होगी सीजीएस यूनिट, तो फोर्स की हो जाएगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। सीजीएस यूनिट भी लिख लीजिएगा, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगी लेकिन मिल सकते हैं क्वेश्चन में, ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलता है, बिल्कुल। अब बेटा जब भी आपने प्रेशर पढ़ा होता है तो आपने एक टर्म पढ़ा होता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पढ़ा था सबने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नाम से ही क्लियर है कि ये आपका एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यस, ये आप ये कह सकते हैं जो एयर है वो जो एग्जर्ट करती है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यू याद है किसी को, बिल्कुल लिख लीजिए 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसा आप लिखना चाहें। ये आपका होता है 1 ATM कहते हैं इसे, 1 ATM, ठीक, क्योंकि आपको प्रेशर कई बार एटीएम वगैरह में भी दिया होगा तो आपको वहां पे वो पास्कल वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट सब सेम रहनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब एक और कन्वर्जन यहाँ पे आता है, 1 ATM इज इक्वल टू 10^5 बार लिखा होगा, यस, बार में भी मिलता है आपको प्रेशर, ठीक है, तो 1 ATM इज इक्वल टू 10^5 बार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अच्छा, आपको पता है प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यस, दो डिवाइस है बेटा, एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वो है बैरोमीटर, बैरोमीटर, चाहे तो लिख लीजिए डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, बहुत सिंपल सी डिवाइस है, अभी समझा रहा हूं आपको, पहले नोट कर लीजिए। सेकंड लिखिएगा, एक और डिवाइस है वो है आपकी मैनोमीटर, मैनोमीटर जो है ये एक डिवाइस है टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन फ्लास्क, डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। तो ये बेटा आपका रहा बैरोमीटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास मरकरी रहता है, ये ब्लू कलर से जो आपको दिखाया हुआ है ये आपका मरकरी है, Hg, फाइन। और आप एक कंटेनर लेते हैं जिसमें मरकरी होता है, और साथ में आप एक ट्यूब लेते हैं बड़ी सी, 1 meter से ऊपर ले सकते हैं आप, ठीक है, और इसमें आप मरकरी को फिल करते हैं कंप्लीटली, और इसको आप इन्वर्ट कर देते हैं जैसा आपको यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, रिवर्स कर देते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि यहां आपको अपना थंब रखना होता है, थंब से इसे प्रेस करके जिससे ये लिक्विड बाहर ना आए, और इसको इन्वर्ट कर देना आपको मर्करी कंटेनर में, ठीक है, यस। तो थोड़ा थोड़ा मर्करी बाहर आएगा, और जब मर्करी बाहर आएगा तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये रहा, येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये येलो कलर से ये वैक्यूम बन रहा है बेटा, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक, और जहां पे वैक्यूम होता है वहां पर आपका जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, तो प्रेशर आएगा कहां से, तो यहाँ पे आपका प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। इस जगह
आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको नाइन्थ का अगर थोड़ा सा याद हो तो किसी भी फ्लूइड में जब आप हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे चलने पे आपका प्रेशर डिक्रीज होता है, याद आया? तो बिल्कुल आप कहते हैं पी एटमॉस्फेरिक, सेम हाइट पे प्रेशर सेम। ओके, तो मैं ए पॉइंट जहां पे लिखा हुआ है, ये ए पॉइंट पे मेरा प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक होगा, और जब मैं ऊपर चलूंगा और बी पॉइंट पे पहुंचूंगा बेटा, बी पॉइंट पे, ठीक है, तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी एच इज इक्वल टू पी बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। किसी भी फ्लूइड की वजह से हाइट पे जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो आता है माइनस रो जी एच, ये याद रखना आपको, ठीक है। और यहां से आपको पता है पी बी क्योंकि वैक्यूम है तो ये जीरो हो जाएगा, बस यही कॉन्सेप्ट है बैरोमीटर का। आप कहते हैं पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी एच, और यहां पे आप जो लिक्विड यूज करते हैं बैरोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं उसे, और वो आपका होता है मरकरी। मरकरी यूज करने के पीछे रीजन ये है कि आपकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। दूसरा रीजन ये रहता है कि ये ग्लास में स्टिक नहीं करता, ओके, डज नॉट स्टिक विद ग्लास, लिख लीजिए। ये आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, डज नॉट स्टिक विद ग्लास, ठीक है, चिपकता नहीं है, तो आपको रीडिंग लेने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और एक दो रीजन और भी हैं, जैसे ये शाइन करता है तो आपकी रीडिंग पढ़ना, ट्रांसपेरेंट होगा तो रीडिंग नहीं ले पाएंगे, तो रीडिंग लेना बहुत आसान हो जाता है, फाइन। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपका ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये आपको किससे मिल रहा है, डेंसिटी से। डेंसिटी अगर आपने मरकरी ले लिया तो फिक्स हो गई, ठीक है, जी आपका फिक्स हो गया, तो बेसिकली आप इसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, अब जरा देखें, इसको नोट कर लीजिएगा, 1 atm या 1 atmospheric प्रेशर जो होता है वो आपका मरकरी की 76 centimeter हाइट के इक्वलेंट आता है। तो आपको ऐसे लिखा होगा 76 centimeter ऑफ Hg कॉलम या 76 centimeter ऑफ मरकरी, ठीक है, ये आपका 1 atmospheric प्रेशर है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, यहां पे हम लिखेंगे PATM इज इक्वल टू 76/100, ये मैंने H लिखा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी लिखूंगा या रो, आप जैसे भी करें, डी लिखना चाहें या रो लिखना चाहें, और मल्टीप्लाइड बाय जी, फाइन, इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। या इसी को कई बार मिलीमीटर में लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, 76 millimeter ऑफ एच जी कॉलम, ये भी दिया जा सकता है, हाँ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर आपसे एक और चीज लिखी जा सकती है, 760 टॉर्क, हाँ वो मिलीमीटर ऑफ एच जी के लीजिए या टॉर्क के लीजिए, ये यूनिट भी मिल सकती है, और या फिर वाटर कॉलम दैट इज 10.336 meter ऑफ एच, ध्यान रखना मीटर है, यस कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वाटर लूंगा तो मुझे वाटर की हाइट कितनी चाहिएगी, हाँ वाटर लूंगा तो वाटर की हाइट कितनी चाहिएगी, 10.336, तो लैब में तो पॉसिबल नहीं बेटा, इतनी लंबी ट्यूब को 10 मीटर से ऊपर की ट्यूब को पलटना, ठीक है, इसलिए वो मरकरी यूज किया जाता है। एक फॉर्मूला आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए होता क्या है, एक्चुअली आप किसी भी लिक्विड से आप इसको करना चाहें, मतलब थियोरेटिकली बुक में तो कर ही सकते हैं ना, पी एटमोस्फेरिक मान लीजिए आप कह रहे हैं, तो आप कहेंगे रो वन जी एच वन, ठीक है, ये कोई आपका लिक्विड वन हो गया। अब लिक्विड टू आपने लिया तो आप कहेंगे रो टू जी एच टू, या बिल्कुल आप इसे कहेंगे रो मरकरी जी एच मरकरी, ये समझ में आया,
ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, आपको याद रखना है रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच टू इज इक्वल टू रो मरकरी इंटू एच मरकरी। अगर आप किसी दूसरे लिक्विड को लेंगे उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी तो उसकी हाइट डिफर कर जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यूज में आ सकती हैं। मैं फिर से वो फॉर्मूला आपके लिख दे रहा हूं। यस, पी एटीएम इज इक्वल टू रो जी एच, यहां पे रो जो है बेटा वो है मेरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरी क्लास में आप पेन ले लीजिएगा, वैसे 9.8 लेना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच जो है वो है आपका हाइट ऑफ लिक्विड इन बैरोमीटर। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी ये प्रेशर मुझे बता दीजिए, 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी ये प्रेशर होगा बेटा, ठीक है, ये प्रेशर कितना होगा? आप कहेंगे सर 70/100, ये तो हमने लेंथ ले ली, साथ में मरकरी लिया हुआ है तो 13.6 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब, ये मैंने डेंसिटी ले ली। याद होगा सबको डेंसिटी आरडी 13.6 थी, तो मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आप इसे कह सकते हैं 13.6 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब और इंटू 9.8, ये एक्चुअल में आपका आएगा। ठीक है, हाँ अगर आपको जी की वैल्यू 10 दी तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, उसको आप जल्दी से कर सकते हैं, बट अगर मेंशन नहीं किया गया तो इस तरह से आप ये प्रेशर निकाल लेंगे। तो ये प्रेशर किसके इक्विवेलेंट आएगा? 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अच्छा एक और ट्रिक बता दूं, देखिए यूनिटरी मेथड बिल्कुल सीधा सीधा होता है क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप होती है, तो आप सीधे पी एटमोस्फेरिक, ठीक है, हाँ ये 1 atm लिख लो, 1 atm लिख लो, कोई बात नहीं, पी एटमोस्फेरिक नहीं लिख लो तो 1 atm लिख लो, हाँ जी 1 atm लिख दिया मैंने। तो 70 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1 atm इंटू 70/76, खत्म। कुछ समझ आया? आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्योंकि ये डायरेक्टली यूज में आएंगे, इसको भी समझ लेते हैं, ये आपके मैनोमीटर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पे आपकी एयर है तो जहां भी ओपन एयर होगी वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक। ये आपका यहां पे लिखा हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, अभी हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास मरकरी है, एजीएल, ठीक है, और ये जो फ्लास्क दिख रहा है आपको इसमें हमारे पास कोई गैस है, इस गैस में क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा, ठीक। अब ये डिपेंड करता है कि कहां प्रेशर ज्यादा होगा, सपोज गैस का प्रेशर 1 atmospheric प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा? ये आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो नाइन्थ का, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं एक डायग्राम आपको दिखा दूं। मान लीजिए मेरे पास एक यूट्यूब है इस तरह से, और इसमें मैं कोई फ्लूइड फिल करूं तो उसकी जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम आएगी दोनों आर्म्स में, ये सबको पता होगा, है ना, हाँ जी, सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है तो बिल्कुल सेम हाइट पे रहेंगे, ये आप किसी यूट्यूब में वाटर फिल करके देख भी सकते हैं। अब बेटा अगर किसी साइड से प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होने का मतलब मान लीजिए यहां प्रेशर हाई है तो क्या होगा? ये वाली साइड जो है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी और ये उतनी ही ऊपर उठ जाएगी। कुछ समझ में आया? तो यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ है, ये आप देख रहे हैं एक लाइन आपको दिखाई गई है, यहां पर हाई प्रेशर है, ये जो फ्लास्क है आपका इसमें जो गैस है इसमें प्रेशर हाई है, इस हाई प्रेशर की वजह से आपके लिक्विड कॉलम में एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब बेटा यहां पर अगर मैं आपसे कहूं लेट्स से पी, तो क्या होगा आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? पी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक, यहाँ पे पी एटमोस्फेरिक है, आप नीचे आ रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं बेटा, नीचे आने में प्रेशर इंक्रीज करता है, प्लस रो जी एच, यहां पर आपको एच दिया हुआ है, एच टू, फाइन,
ई आ जाएगा आपका। पी इज इक्वल टू पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी एच टू। क्लियर है? बस बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ जो है जैसे पहले, रो जो है वो आपका डेंसिटी ऑफ, हाँ ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये रो जो दी हुई है ये आपकी डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड लिखा हुआ है, देखिए ऊपर जिस फ्लूइड को डाला हुआ है उसकी है डेंसिटी ऑफ मैनो, गैस की मत ले लेना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक। और हाइट दिख ही रही है आपको, तो जो आपका ये H2 है इससे आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कितना ज्यादा प्रेशर, तो रो जी एच टू एटमोस्फेरिक प्रेशर में ऐड कर दीजिए, वही आपका इस गैस का प्रेशर आएगा। अब बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा आइडियल गैस, एक्चुअली हम गैस लॉस पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने गैस लॉस दिए और उन सारे गैस लॉस को मिला के एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई। अब आइडियल गैस क्या होती है और रियल गैस क्या होती है, दो टाइप की गैसेस आपको मिलेंगी और इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो आइडियल गैस की जब हम बात करेंगे तो अभी जितना हमने समझा है उसके हिसाब से हम कहेंगे आइडियल गैस जो है वो थियोरेटिकल गैस है, और ये थियोरेटिकल गैस, थियोरेटिकल गैस मतलब बुक्स में बनाई हुई है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थियोरेटिकल गैस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वॉल्यूम जो है वो जीरो होगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पॉइंट पार्टिकल्स एज्यूम करेंगे, हम गैस मॉलिक्यूल्स को पॉइंट पार्टिकल एज्यूम करेंगे, उनका कोई भी वॉल्यूम हम कंसिडर नहीं करेंगे, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं है, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वगैरह, तो जब हम उसका साइज ही अज्यूम नहीं कर रहे हैं, जब हम उसे एटम की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे, जब हम उसे मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो डायपोल कहां से बनाएगा, और जब डायपोल नहीं बनाएगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई, वो जो लंदन फोर्सेस डायपोल डायपोल फोर्सेस पढ़े थे, तो नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, ठीक है, कोलिजन होगा, सब कुछ होगा, बाकी सब कुछ हो रहा होगा, बाकी सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो नहीं लगे, ठीक है। सो नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, बस अभी इतना ध्यान रखना है आइडियल गैस के लिए, बाकी तो हम आइडियल गैस के एजम्पशंस आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आता है वहां पर पढ़ते हैं, तो नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाँ, अब कई बार सिंपल टर्म्स में क्या कह देते हैं, ऑल्दो ये बाद में आएगा बट लिख लीजिए, गैस विच फॉलोज मैथमेटिकल इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो आपका टेम्परेचर इन केल्विन। अभी इसकी जरूरत नहीं, आगे इसको डिटेल में हमें पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट, बट पहला लॉ लिखिएगा वो है आपका बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो लॉज हम पढ़ रहे हैं ये आइडियल गैसेस के लिए हैं। तो बॉयल्स लॉ में अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें, तो प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जरा समझिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने एक पिस्टन लगाया है और ये मूवेबल पिस्टन है, इस टाइप की चीज आपको एज्यूम करनी पड़ेगी जब भी आप गैस लॉस पढ़ेंगे, इमेजिन कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बेटा इसमें क्या है कि मान लीजिए ये मेरे पास गैस फिल्ड है इसमें, ठीक है,
लेट से इसका कुछ वॉल्यूम मैंने आपको दिया, मैं कह रहा हूँ V1, और इसका प्रेशर है T1 और इसका टेम्परेचर भी है T1, ठीक। अब आपसे क्या कहा गया, आपने टेम्परेचर को कर दिया है कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है आपका, और आप वॉल्यूम को अगर चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करने का मतलब आप इसे डाउनवर्ड प्रेस कर सकते हैं या अपवर्ड ले जा सकते हैं, पिस्टन को मूव कराना आपको, तो वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके जो पार्टिकल के बीच का गैप है या उनके कोलिजन की जो टेंडेंसी है वो चेंज होगी। तो इस बारे में बॉयल्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इसे लिखे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, ये ध्यान रखना, यानी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स कर दिए, फिक्स्ड अमाउंट, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो आपको P is inversely proportional to V for N आपने constant ले लिया, N आपके number of moles से और T आपने constant ले लिया। तो simple अगर आप लिखना चाहें Boyle's law को तो बस ये आपको याद रखना है, P is inversely proportional to volume, fine, N और T constant। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेटा मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरा वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या आप रिवर्स भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, यस। और प्रेशर डिक्रीज करेगा अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, फाइन, या आप इसे और भी तरह से लिख सकते हैं, पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P into V is equal to constant. ये आपकी Boyle's law की equation आ गई। Pressure और volume का जो multiplication है या product of pressure and volume remains constant. Ideal gas equation में देखिए, ideal gas equation मैंने आपसे कहा था PV is equal to nRT. अब आपने क्या किया? N को fix कर दिया, constant हो गया, T constant हो गया, और R मैंने पहले ही आपसे कहा था कि R constant होता है, universal gas constant है, तो P into V क्या आ गया? Constant. बात समझ में आई? ओके, अब इसको लिखने के बहुत सारे तरीके अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे में मिलेगा। देखिए एक तरीका क्या है, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, कुछ बात समझ में आई? वही जो ऊपर लिखा है, पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चलिए बहुत अच्छा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, ये वन और टू क्या है, कोई दो टाइम पर प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कई बार लॉग फॉर्म में ये दिया होता है, तो देखिएगा अगर आप इसका लॉग लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लॉग पीवी इज इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। ये इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ग्राफ दे दिए जाते हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल मुश्किल ना आए। तो लॉग ए बी जो होता है वो आपका हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी, एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का लॉग लेंगे तो वो कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो लॉग पी प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख लीजिए, ठीक है, यस। तो ये आपकी बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक। मेन जो है वो क्या याद रखना है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एन कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट मतलब मोल्स कॉन्स्टेंट, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस आपने ले लिए कोई भी, चलिए हाँ ध्यान रखिएगा ये आइडियल गैस के लिए। अब बेटा कुछ चीजें आती हैं जो ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो इसमें आता है वो आपका आता है पीवी ग्राफ, ठीक। तो कई बार आपको जो है इस तरह से पी और वी दिखाए होंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, और वो कहेंगे कि पीवी ग्राफ कैसा आएगा वो बता दीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा इलाज करूं इसे। हाँ जी, आप x एक्सिस पे वॉल्यूम ले लीजिए और y एक्सिस पे प्रेशर ले लीजिए, ठीक है। तो p इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पे आप कह सकते हैं, मैं लिख रहा हूं बेटा p इंटू वी, p की जगह क्या लिखूं, y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
तो ये ग्राफ जो आपका बनता है ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब आपका प्रेशर बहुत कम होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा, और जब प्रेशर बहुत ज्यादा तो वॉल्यूम बहुत कम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा ऐसा रहेगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास T1 प्रेशर पे है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, बहुत आसान सी है लेकिन कई बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया T2 टेम्परेचर पे, ये ग्राफ भी मेरा ऐसा आया कुछ, हाँ ये T2 पे, ठीक है। आपको बताना है T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। देखिए इसका तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, कोई भी एक चीज को कांस्टेंट कर लीजिए, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, दोनों कंडीशन के लिए मेरा वी क्या है, कांस्टेंट है, फाइन। अच्छा, अब आपने कहा सर इक्वेशन हमारी होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वी को आपने कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब पी इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया आइडियल गैस इक्वेशन से। सिर्फ इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वैसे तो ग्राफ किसका है, ये पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का ग्राफ है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी का ग्राफ है, ठीक है। अब क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा था कि T1 ज्यादा या T2 ज्यादा, तो मैंने कहा भाई आइडियल गैस इक्वेशन है वो तो फॉलो हो रही है, तो मैंने एक लाइन खींची, मैंने कहा अगर मेरा पी ज्यादा तो मेरा टी भी ज्यादा, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, T2 ग्रेटर देन T1, ये याद रखना, T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपका ग्राफ जो है पीवी ग्राफ वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा, ऊपर समझ में आ रहा है, लाइक दिस, बिल्कुल इसे बनाइए। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपको याद होने चाहिए कि कब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा ग्राफ आ रहा है। अच्छा, एक ग्राफ और दिखा रहे हैं आपको, चलिए अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा पी टी ग्राफ कैसा होगा, हाँ अब सोच के बताइएगा, पी टी ग्राफ, चलिए यहां टी दिखा देते हैं, यहां पे पी दिखा देते हैं, बॉयल्स लॉ के लिए, बॉयल्स लॉ के लिए, हाँ सोचो सोचो, क्या पता गया है आपको, ओके किसी का आंसर आया, वेरी गुड बेटा, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट का मतलब टी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो टी कांस्टेंट मतलब ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आ रहा होगा, बात समझ में आई। तो कई बार परेशान करने के लिए टेढ़े मेढ़े ग्राफ दे देते हैं, ठीक, हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसमें कई बार ना कंफ्यूजन होता है, सिंपल सा ग्राफ, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, चलिए देखते हैं ओके। अब ग्राफ बनाइए ना पी वर्सेस 1/V का, जरा हाँ ध्यान से सुनिएगा, पी वर्सेस 1/V लिख रहा हूं मैं बेटा, एक मिनट मेरे पास कुछ डिले है, हाँ कुछ नेट का डिले है। यहां पे मैंने आपको दिखाया पी और यहां पे मैंने आपसे कहा 1/V, बहुत ध्यान से देखिए जो हमने शुरू में आपसे कहा था ना, पी इज इक्वल टू या PV is equal to NRT ये था, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी PV is equal to constant। अच्छा अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, P is equal to constant into 1/V, ऐसे लिखेंगे। अब ग्राफ जब भी आपसे पूछा जाए और आपको ये नहीं पता कि भाई किस तरह का ग्राफ याद नहीं है, स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, तो आपको करना क्या है, जिस एक्सिस पे जो चीज प्लॉट की है उसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। हाँ तो वाई रिप्लेस करेंगे कहां पे, पी की जगह, ओके मैंने यहां लिख दिया वाई, और एक्स रिप्लेस करेंगे 1/V, ठीक है। तो 1/V की जगह एक्स लिखना है, 1/X मत लिख देना। तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स,
आप बता सकते हैं ये ग्राफ कैसा होगा, सबने सीखा हुआ है, जल्दी से y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, बिल्कुल सही बात, ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वेरी गुड। तो भाई ये ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है। अच्छा चलिए अब ना देखिए, बहुत बढ़िया सी चीज आ गई, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बना दी। अब मैंने ना यहाँ तीन लाइनें बनाई हैं, ओरिजिन से पास होने वाली चलिए सेकेंड लाइन, ओके ये बनी, और एक और बना लेते हैं, ये कुछ समझ आया। मैंने आपसे कहा कि भाई एक टेम्परेचर T1, एक टेम्परेचर T2 और एक टेम्परेचर T3 है, तीनों स्लैंटेड है, तीनों स्लैंटेड, ठीक। अब जरा सी देखो, जब आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू NRT इंटू 1/B, ठीक है। Y इज इक्वल टू MX, कुछ याद आया, M क्या है, स्लोप। तो यहां पर जो आपकी स्लोप है, यहां पर जो आपकी स्लोप है वो आपको क्या बताएगी, स्लोप कितनी है, NRT है, स्लोप आपकी NRT है बेटा। फॉर्मूले में देखो, यहां पे ये दिख रहा है आपको स्लोप, ठीक है, एन और आर कॉन्स्टेंट है। तो जैसे जैसे आपका टी इंक्रीज होगा आपकी स्लोप इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही आपने भेजा कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो स्ट्रेट लाइन आई, प्लीज ध्यान रखिएगा ग्राफ किसके बीच है, पी एंड 1/V के बीच ग्राफ है, बिल्कुल इसे बनाइए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलेंगे, स्कूल में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा चार्ल्स लॉ। अच्छा चार्ल्स लॉ आपको बुक्स में डिफरेंट वे में मिलेगा, पहले मैं इसको सिंपल वे में आपको लिखा दूं, ठीक है। हाँ चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कहता है। तो यहां आप कहते हैं अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया तो आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, पूरा लिख लीजिए, कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हाँ तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे N आपका कांस्टेंट और P आपका कांस्टेंट। अच्छा अब मैंने आपको पहले से ही क्यों वो इक्वेशन लिखा दी थी, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। आपने कहा सर N कांस्टेंट, R कांस्टेंट और P कांस्टेंट, तो बचा क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T, आपका कांस्टेंट टर्म आ गया NR/P, ठीक। तो बड़ी आसान सी चीज हो गई, जैसे पहला वाला समझा था बिल्कुल वैसे ही ये समझ लिया। अब आ रहा हूं जो बुक में स्कूल में आपके स्टैंडर्ड जो इसकी डेफिनेशन दी हुई लॉ दिया हुआ है वो कैसे है देखिएगा, वो है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि स्कूल में भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय (1/273) टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0°C फॉर एवरी 1°C
इंक्रीमेंट इन इट्स टेम्परेचर। तो लॉ तो ये है, लेकिन उसको सिंपल वे में हमने कैसे लिख दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, अब जरा इसको भी समझा देते हैं आपको। ये कहा गया कि अगर आप T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम निकालेंगे तो वो होगा V जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है, प्लस T बाय 273 इतने का इंक्रीमेंट किस पे, V जीरो डिग्री C पे। कुछ समझ आया? ओके हाँ बिल्कुल। अब देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, वी टी, अब मैं डिग्री सी नहीं लिख रहा हूं, वी टी लिख दिया मैंने, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे मेरा आ जाएगा बेटा वन प्लस टी बाय 273 आया, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आया वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 273 प्लस टी अपॉन 273, ये आपका बन गया। अब जरा सोचो ये 273 क्या है, ये वो कन्वर्जन है जो डिग्री सी से केल्विन पे करता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं टी टेम्परेचर, ठीक है, और इसको मैं कह सकता हूं टी जीरो केल्विन में। जीरो केल्विन कितना हो जाएगा बेटा, 273, जीरो केल्विन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या गया, V final upon V initial is equal to T final upon T initial, प्रूव हो गया है ना। यस, तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, या V initial upon V final is equal to T initial upon T final, रिवर्स कर लीजिए कोई बात नहीं, ठीक। या सिंपली आप लिख सकते हैं V is equal to N R upon P into T, यहां से आप कहेंगे V is proportional to T if N and P constant, क्योंकि R तो constant होता ही है बेटा, R universal gas constant है, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाइए वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें तो कभी वेरिएशन आना ही है। बेटा अगर मैं आपसे कहूं V वर्सेस T, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा है टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना, आप चाहें तो यहां पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां अगर आप डिग्री सी में लेंगे तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपको पता है आपका, देखिए फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी, ऐसे आया था बिल्कुल जो मेथड पहले मैंने आपको बताया, V की जगह आप Y लिखोगे, T की जगह आप X लिखोगे और ये आपका M हो जाएगा, तो Y इज इक्वल टू एम एक्स आ गया। आप कांस्टेंट लिख सकते हो कोई बात नहीं, ठीक है, तो कांस्टेंट स्लोप हो गई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वी टी ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ये मैंने बना दिया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। चलिए अच्छा अगर मैं एक और बना दूं, चलिए एक और लाइन बना देता हूं, दो ग्राफ बना देता हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं ये दो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट था हमारा, ठीक है, तो ये मेरा आपका पी वन दिया हुआ है, ये पी टू दिया हुआ है, आपको बताना है। हाँ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा n कांस्टेंट है, ये तो हमने अज्यूम किया ही बार, ठीक है, और p भी कांस्टेंट है, बट p हमारा p1 p2 दोनों ही कांस्टेंट है, अलग अलग प्रेशर, तो एक ही गैस लेके, मान लीजिए मैंने एक आइडियल गैस ली हुई है, उसको एक बार 1 PATM पे किया, 1 atmospheric प्रेशर, तो दूसरी बार 1.5 पे कर दिया, ठीक है, दो अलग अलग प्रेशर पे मैंने BT ग्राफ बनाया है। हाँ, तो ग्राफ मेरा कैसा आएगा वो आपने बता दिया मुझे, मुझे ये बताइए P1 और P2 में कौन बड़ा, P1 और P2 में कौन बड़ा, मेथड वही है, चेक करने का मेथड वही है, आप किसी एक को कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए, हाँ ओके, देखिएगा। अच्छा आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, वैसे तो स्लोप से भी चेक कर सकते हैं, स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू एनआर बाय पी है, ठीक है,
जितना पी ज्यादा होगा उतनी स्लोप कम होगी या ज्यादा होगी? सोचो सोचो, पी से डिवाइड कर रहे हो ना। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे? हायर पी लोअर स्लोप, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे लोअर स्लोप किसकी है? पी वन की। तो पी वन जो है वो पी टू से बड़ा हो गया, चेक कर लो आराम से बिल्कुल। जब कंफर्म हो जाओ तभी मुझे बताना। मैंने आपसे कहा स्लोप जो है वो एन आर बाय पी है, ठीक है? हाँ, तो स्लोप ज्यादा किसकी है? पी टू वाले की। एन आर कॉन्स्टेंट है तो पी टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी स्लोप क्या आएगी? इसकी स्लोप क्या आएगी? एन आर बाय पी टू। इसकी स्लोप आएगी एन आर बाय पी वन। कुछ बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो वाला मेथड ही बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कहा सर हमने एक ना कांस्टेंट मान लिया, ओके, एक स्ट्रेट लाइन। मैं हर एक अलग अलग ढंग से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपने वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया, ठीक है? अब आपने क्या कहा सर हमें पता है हमारी इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, हाँ है ना? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ग्रीन लाइन को देखिएगा। आपने कहा सर वी हमने कॉन्स्टेंट मान लिया, एन कॉन्स्टेंट था, आर कॉन्स्टेंट था, इसका मतलब पी इज प्रपोर्शनल टू टी आ गया। P प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो अब आप देखिए इस सेम ग्रीन लाइन पे कौन सा टेम्परेचर हायर है? ये टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब P1 आपका हाई हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इन्हें चेक करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं V वर्सेस P ग्राफ, जल्दी से बताइए VP ग्राफ या PV ग्राफ, जैसे भी आप बनाना चाहिए, ये लीजिए PV ग्राफ, हाँ, ये कैसा आएगा? सोच के बताइए। कौन कांस्टेंट? प्रेशर कांस्टेंट, बिल्कुल सही। तो ये आ गया, है ना? अच्छा, कई बार क्या करते हैं आप रट के ये गए, उसने क्या किया थोड़ा सा चेंज कर दिया, भाई यहां वी कर दिया, यहां पी कर दिया। अब बताइए ग्राफ कैसा? प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये समझ में आया? क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा कई बार ना वो लॉग फॉर्म भी आ जाती है, तो देखिए लॉग फॉर्म क्या थी हमारी, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू टी थी, ठीक है? लॉग ले लो, तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट प्लस लॉग ऑफ टी, ऐसा आएगा, ठीक है? अब ये क्यों मैंने आपसे कहा, देखिए कई बार वो करेंगे क्या, आपको सब कुछ आता है, ठीक है? आपको सारे लॉज पता हैं, बस वो आपसे कह देगा भाई ग्राफ मेरा है लॉग वी वर्सेस लॉग टी, पी कांस्टेंट, एन फिक्स्ड, फिक्स मतलब कांस्टेंट, फिक्स कर रखा आपने, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अब कहेगा ये बता दो यार ये ग्राफ कैसा आएगा, तो क्या करना है, लॉग वी की जगह लिख दो वाई, यहां तो कांस्टेंट है सी आ गया और यहां पे क्या आ गया एक्स। कुछ बात समझ में आई? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये ग्राफ आपको पता है कैसा आएगा? बिल्कुल, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? बट ये ओरिजिन से पास नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहा, वो जीरो नहीं है बेटा, समझ में आया? हाँ, तो वो उसकी वैल्यू कुछ आएगी।